दो मिनट के लिए, कैसर साहब कह रहे हैं दो मिनट के लिए बोले। मैं मादनियात और डॉलरों के पीछे होने वाला केपी और फाटा का ऑपरेशन यकसर मुस्तरद करता हूं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके हैं, इस एक्सरसाइज का रिजल्ट भी सामने है। ज़रब आज़म रदल फसाद दरअलम ब्या दरअलम नद प्रेगदम उद रोड़म, ये एक्सरसाइज होता रहा है और हमने अमेरिका के खुशी के लिए फाटा को बर्बाद कर दिया है। हमने डारों की उसूल के लिए फाटा को बर्बाद कर दिया है। स्पीकर साहब, यहाँ पे ये बात काबिले गौर है कि हमें सोचना चाहिए, यहाँ पे कुल्ले डिस्कस करना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या होगा। हमें ये भी जो है ना, इसके लिए भी स्पेस बनानी होगी कि वज़ीरे आज़म का मैंडेट, पार्लियामेंट का मैंडेट, अदलिया का मैंडेट और आवाम के वोट का मैंडेट, इसके लिए स्पेस बनानी होगी, वरना बसूरत ही दीगर इस स्टेट को सिक्योरिटी स्टेट की तरह चलाना, जो गुज़श्ता कई दिहाइयों से हम चला के आ रहे हैं, ये मुल्क बर्बाद हो चुका है। मैं फाटा की गुहीर आवाम से ये अपील करता हूँ कि ना आपने नकल मकानी करनी है, ना वहाँ पे ऑपरेशन के लिए राह हमवार करनी है, डट के खड़ा होना है। हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारे घर मस्मार हो चुके हैं, हम बेघर हो चुके हैं, हमारे बच्चे बेतालीम बड़े बस बस हो गया ना। माइक खोले वाइंड अप करें प्लीज। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इतना नहीं बोलते ना। हमारे पाटा की आवाम अब भी जेलों में पड़े हैं, वहां पे जेलोजोइके में मुतासिरीन है, लिहाजा ना इससे पहले जितने भी ऑपरेशन हुए इसका रिजल्ट सामने आया है, ना ऑपरेशन टला है, उसी वक्त से 2002 से जारी ऑपरेशन अब तक जारी है, जिससे हम मुतासर हो चुके हैं और हुकूमत और ये मफाद परस्त इस पे डॉलर ले चुके हैं। लिहाजा हम वजीरिस्तान से लेकर बाजवड़ तक और दई खान से लेकर ए बटापा तक ये ऑपरेशन मुस्तरद करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया जनाब कैसर अहमद शेख साहब।